सब्सक्राइब एंड शेयर दिस। या देवी सर्वतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद। सरकार छात्रों को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री देखने से रोक रही है। दिल्ली पुलिस छात्रों को हिरासत में ले रही है। केरल के बीच पर पब्लिक के लिए डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन की गई। मुंबई के छात्रों ने भी लैपटॉप पर देखी डॉक्यूमेंट्री। सरकार इस डॉक्यूमेंट्री को देखने से रोक रही है। और राष्ट्रपति भवन के बगीचे का नाम बदला गया। मुगल गार्डन के नाम की जगह अमृत गार्डन किया गया। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अब अमृत उद्यान कर दिया गया है। मुगलों के नाम पर होने की वजह से कई बार इसका नाम बदलने की मांग उठ चुकी है, जिस वजह से ये फैसला लिया गया है। इस गार्डन को राष्ट्रपति भवन की आत्मा माना जाता है। इसमें 138 तरह के गुलाब, 10,000 से ज्यादा ट्यूलिप बल्ब और 70 अलग अलग प्रजातियों के लगभग 5,000 मौसमी फूलों की प्रजातियां लगाई गई हैं, जिन्हें देखने के लिए हर साल 5 से 6 लाख लोग राष्ट्रपति भवन आते हैं। इस गार्डन को वसंत के मौसम में आम जनता के लिए खोला जाता है। अमृत उद्यान को इस बार 31 जनवरी को खोला जाएगा और 26 मार्च तक लोग यहां घूम सकेंगे। जनता के लिए पहली बार इस गार्डन को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खुलवाया था। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बोधगया में आयोजित बौद्ध महोत्सव का शुभारंभ किया। इन्होंने कहा कि हमने 10 लाख की नौकरी का वादा किया है, जो जरूर निभाएंगे। गृह विभाग में 75,000 और स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 और शिक्षा विभाग में करीब 3 लाख नियुक्तियां होगी। बेरोजगारी को मिटाने के लिए यहाँ बैठा हर युवक बोध गया का हम आप सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बनी है, हमारा कमिटमेंट है, कोई वादा नहीं है। ये हम लोगों का प्रण है कि हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया कि आने वाले समय में 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। अभी गृह विभाग में 75,000 पद जो है सृजित हम लोगों ने किया है और आने वाले समय में हम लोगों की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग में है। स्वास्थ्य विभाग में लगभग 1,60,000 लोगों को रोजगार देने का काम करेगा। उसी तरीके से शिक्षा विभाग में लगभग 3 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलेगी। तो जहां आप समझिए अगर नौकरियां मिलेगी, ये उन नौकरियों की बात है जो सीट वेकेंट है, जो खाली है, जिस पद को हमको भरना है, तो हम लोग इस पद को भी भरेंगे। राजस्थान उर्स मेला। रेलवे प्रशासन की ओर से अजमेर में लगने वाले उर्स मेला के अवसर पर रेलगाड़ी यात्रियों की सुविधा के लिए अजमेर से मुजफ्फरपुर अजमेर विशेष गाड़ी संचालन किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन की ओर से अजमेर में लगने वाले उर्स मेला के अवसर पर रेल यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी संख्या जो स्क्रीन पर देख सकते हैं, मुजफ्फरपुर अजमेर विशेष गाड़ी संचालन किया जाएगा। 29 जनवरी से यह फेरे संचालित किए जाएंगे। गाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों को कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। सारण के छपरा में शनिवार को शराब तस्करों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर 3 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया। पुलिस पार्टी मासूमगंज इलाके के एक शराब की तस्करी को गिरफ्तार कर वापस लौट रही थी। छपरा पुलिस के मुताबिक तीनों घायल पुलिसकर्मियों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इनका इलाज चल रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगर कोई परीक्षाओं में नकल करते पाया गया तो उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी और 10 सालों तक राज्य के किसी भी परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में कैंडिडेट को अलग अलग पेपर देने का मॉडल लाने पर विचार कर रही है। बीजेपी का आरोप, RPSC से पेपर लीक का कनेक्शन, CBI जांच से सच सामने आएगा। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाएं सरकार की गले की फांस बन कर रह गई है। सरकार परीक्षाएं कराती है तो पेपर लीक होने के कारण बेरोजगारों को सपने धरे के धरे रह जाते हैं। पिछले 4 साल में 10 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। अब सरकार परीक्षा कराने के नए मॉडल विचार कर रही है।
देश के गृह मंत्री अमित शाह 25 जनवरी को बिहार आएंगे। ये यात्रा 22 को होनी थी। 25 फरवरी को बिहार राजनीति में बड़े बदलाव होने की आशंका है। इसका संबंध कुछ वहाँ से हो सकता है। बिहार इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से 11 फरवरी तक होगा और 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी। मैट्रिक की परीक्षा 14 से 22 फरवरी तक होगी। आइए देखते हैं डेली करंट अफेयर्स। 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी और भारत के 3 क्रांतिकारियों के बलिदान की याद में हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी 1947 को राष्ट्रपिता की हत्या कर दी गई थी। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। वही 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। इसलिए इन अमर शहीदों की याद में 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। बच्चों में कुष्ठ संबंधी विकलांगता के 0 मामलों के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विश्व कुष्ठ दिवस जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। 29 जनवरी नेशनल कार्नेशन डे, नेशनल पजल डे, फ्री थिंकर्स डे, नेशनल कॉन्चिप डे मनाया जाता है। अभिनेत्री जमुना का 86 साल की उम्र में निधन। 30 अगस्त 1936 की जन्म हम्पी में हुआ था। 27 जनवरी 2023 को हैदराबाद में मृत्यु हो गई। ICC ने इंग्लैंड के बेन स्टॉक को पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 चुना। 28 जनवरी 2023 को केरल के कोची शहर में केरल राज्य टेबल टेनिस चैंपियनशिप क्षेत्रीय खेल केंद्र शुरू हुआ। नेपाल देश के उप प्रधानमंत्री रवि लमिछाने की सांसद की सदस्यता रद्द कर दिया गया। 29 जनवरी नेशनल न्यूज़पेपर डे मनाया जाता है। 28 जनवरी को हर साल दुनिया भर में डाटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार 28 जनवरी 2006 को मनाया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब दिस एंड शेयर प्लीज़।